दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक कीपैड वाला मोबाइल है जिसमें वॉइस इनपुट नहीं हो रही, मतलब इसका माइक का इश्यू हो सकता है। अब इसको चेक करेंगे इसमें माइक का इश्यू है या नहीं। अगर है तो माइक को हम किस तरीके से राइट तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह सपोर्ट करें, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सारे स्क्रू वगैरह मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कीपैड वाला मोबाइल हो सभी का एक जैसा ही इशू रहता है। यहाँ पर सिर्फ हमें माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कंपनी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती। आप किसी भी कीपैड वाले मोबाइल को इस वीडियो को देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए सारे स्क्रू वगैरह सारे ओपन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सील पैक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ने जब पैक करके दिया था उसके बाद कभी भी ये रिपेयर नहीं हुआ है, आज ही यह खुल रहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रिंट रहता है कंपनी का, तो मैं सारे स्क्रू खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे स्क्रू खोल चुका हूँ। अब इसके फ्रंट पैनल को हम खोल लेंगे, जो आगे की बॉडी रहती है उसको कटर की मदद से आप इस तरीके से सारे लॉक वगैरह आप धीरे धीरे से खिसका के खोल लीजिए। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, फिर दिक्कत आ सकती है या कुछ अंदर का पार्ट टूट सकता है। तो इस तरीके से आसानी से खुल जाता है। अभी करना क्या है, यहाँ पर इसके माइक के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइक जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, अब थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये होता है माइक का। माइक को हमने उतार के पहले चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर लेनी है। देखिए यहाँ पर माइक लगाते समय आपने किन बातों का ध्यान देना है, अभी पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए शोल्डर आयरन की मदद से इस माइक को हम उतार लेते हैं, फिर इसको मैं चेक करना आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर माइक को हमने इस तरीके से उतार लिया है, देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको उतारना। तो माइक को हम उतार चुके हैं, अब इसको चेक करना है हमने। मल्टीमीटर को हमने रखना है बजर की रेंज पे, और यहाँ पर इसके दोनों प्रोब्स मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ चेक करके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने माइक निकाल लिया, यहाँ पर अब करना क्या है, इसको चेक करना है। देखिए इस तरीके से हम लगा के चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें शो कर रहा है। दोस्तों इसको आप ख़राब और सही का पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक कभी ख़राब होने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी भी शो करता है, और सही वाला भी कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी शो करता है। आपको एक सही वाला माइक मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैकेट से मैंने निकाल के दो तीन माइक यहाँ पर रखे हुए, इनमें आपको रीडिंग शो करवाता हूँ कितनी यहाँ पर आ रही है। देखिए इस तरीके से इसमें भी रीडिंग आपको कुछ ना कुछ शो होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर हम उल्टे में चेक करते, सॉरी यहाँ पर अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर अब इसकी रीडिंग में शो करवाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ रीडिंग इसमें भी शो कर रही है। अब ये नहीं कि यार हम मान लें कि ये ख़राब है, अब इसका पता हम कैसे करेंगे, हम नए वाले माइक को इसमें इंसर्ट करेंगे, फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके हम चेक करेंगे कि आवाज़ अब रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, काफ़ी सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, आपको जूम करके मैं दिखाऊँ। तो देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर दिया गया है, और वहाँ पे कोई लोग माइनस की जगह पे यहाँ पर रेड वाले को कनेक्ट कर देते हैं, और काफ़ी लोग प्लस की जगह पे ब्लैक वाले को कनेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, आप अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तो माइक आपका वर्क नहीं करेगा, जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो जिसके लिए जो पॉइंट दिया गया है उसी को फॉलो आप कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस माइक में हम देखेंगे रेड वाला जो है, थोड़ा सा जूम फोकस करके आपको दिखाऊं, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर प्लस का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो प्लस के पॉइंट पे आप प्लस वाला ही कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए रेड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको चेक करवा के भी दिखा दूँगा। यहाँ पर मैं ब्लैक को माइनस पे या ग्राउंड पर हम कनेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको गलत तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हमारा माइक वर्क नहीं करेगा, और काफ़ी सारे लोग इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, उसके बाद माइक का जो इश्यू है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमने कनेक्ट तो कर दिया, इसको चेक कैसे करें, देखिए जो हमारे पास सिम कार्ड वगैरह कुछ है नहीं, तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं, देखिए मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर वगैरह में हम इसको चेक करके देखेंगे कि हमारी वॉइस अभी रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। अगर वॉइस रिकॉर्ड होती तो समझ लीजिए माइक हमारी आवाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए कुछ ही सेकंड का इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं जाता हूँ मल्टीमीडिया ध्वनि रिकॉर्डर, और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद आपको सुनाता हूँ मैं, और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें माइक हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए आवाज़ रिकॉर्ड
करना स्टार्ट हो गया है। हेलो 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 हेलो, तो यहाँ पर शायद मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसको मैं रोक लेता हूँ और सेव हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा से सुनूंगा। देखिए यहाँ पर माइक को मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लोज लेके चल जाता हूँ। अब देखिए यहाँ स्टार्ट हो पर गया है। हेलो 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 हेलो, तो यहाँ पर शायद मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। तो शायद आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मोबाइल के माइक को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग चेक करते हैं, इसकी रीडिंग वगैरह शो करती है। दोस्तों इसकी रीडिंग शो करने के बाद भी माइक ख़राब होता है। ये नहीं कि यार रीडिंग शो कर रही तो माइक ओके है, तो ये सब आप छोड़ दीजिए। आप नए माइक को लगाइए, उसके बाद रिकॉर्ड करके चेक कीजिए। तो ये माइक बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो देखिए नए माइक में एक और खासियत होती है, आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये छोटी सी जानकारी मैं देता हूँ, जो नया माइक होता है उसके ये खासियत होती है। यहाँ पर आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए, आप कुछ एक तरफ से कुछ भी रीडिंग आपको शो नहीं होगी और एक तरफ से आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो होगी, या कि जैसे कैपेसिटर में होती है रीडिंग शो, एक तरफ से आपको 700 800 के आसपास शो होनी चाहिए जो नए माइक की खासियत होती है, और एक तरफ से आपको कुछ रीडिंग शो होगी फिर अचानक से वह बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग हमें सोनी है लेकिन कुछ रीडिंग शो होकर अचानक बंद हो जाती है, जैसे कैपेसिटर पे होता है वैसा ही माइक पे भी होता है। चलिए आपको दूसरे माइक पे दिखा देता हूँ। एक मिनट आपको फालतू लूँगा लेकिन जानकारी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दूंगा। एक माइक यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ और चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये माइक, चलिए इसी माइक को मैं ले लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखिए किस तरीके से कुछ रीडिंग शो होगी और किस तरीके से हमारी दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पर 700 800 के आसपास दिखा रहा है, बिल्कुल ओके जो माइक है उसकी यही खास बात होती है। और यहाँ पर इस पे देखते हैं क्या कंडीशन। देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग शो नहीं कर, तो कोई बात नहीं, ये किसी किसी माइक में दिखाएगा, जैसे कैपेसिटर पे होता है एक बार ही चार्ज होता है, उसके बाद बिल्कुल बंद, मतलब रीडिंग हाई होता है फिर जीरो हो जाता है, तो इस तरीके से शो करेगा। और जो ख़राब माइक है दिखाऊँ आपको, ये देखिए ख़राब माइक है, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ओम्स दिखाएगा। यहाँ पे 1046 48 के आसपास दिखा रहा है, और इस तरफ देखें क्या इस तरफ भी हमारे को रीडिंग्स हो रही है, तो इस तरफ रीडिंग्स होने बस ओम्स ज़्यादा इसमें दिखा रहा है, तो माइक यह बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो नए माइक की जो ओम्स है 700 800 के आसपास दिखाएगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस जानकारी का पता चल सके। और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसी तरीके की जानकारी टिप्स ट्रिक्स के लिए यहाँ आपको इसी तरह की गाइड मैं करता रहूँगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।